जानता भी है उसमें लीन हो गया है और एक अपने में लीन नहीं है, ऐसा दो प्रकार लिए। इसमें जो अपने में लीन हो जाते हैं वह स्व समय है, और जो अपने को जानते नहीं है और अपने स्वरूप में लीन नहीं होते वो पर समय है। अब उनकी चर्चा करते हैं। जो अपने में लीन है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, वो समय मतलब वो आत्मा युगपत साइमल्टेनियसली एक साथ अपने को मतलब स्व को एकत्व पूर्वक जानता है, यही मैं हूँ ऐसा जानता है, और स्वरूप से एकत्व रूप परिणमन होता है मतलब आनंद की अनुभूति करता है उस टाइम में, उसको स्व समय ऐसा प्रतीत करने में आता है। लेकिन यही जीव या कोई भी जीव जारे ते अनादि अविद्या रूपी जे केड तेना मूड़नी गांठ जेवो जे मो तेना उड़े अनुसार प्रवृत्ति ना आधीनपणा की दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्मतत्व से हट करके परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि भावों के साथ एकत्व गतपणे वर्ते से मतलब मैं रागी हूँ मैं क्रोधी हूँ ऐसा अपने को मानता है, अपने को परमात्मा नहीं मानता है, जानने देखने वाला नहीं मानता है, करने और नहीं करने वाला मानता है, तब उद्गल कर्मना प्रदेशों में स्थित होते, तब उसकी नज़र अपने में नहीं है, बाहर है, उद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है।
तब वो क्या करता है, युग पर एक साथ यही पर पदार्थ मैं हूँ ऐसा एकत्व पूर्वक जानता है और उसके कारण से जो अशांति है पर रूप से एकत्व रूप परिणमन होता है, अशांति को अनुभव करता है, उसका ही नाम पर समान है। क्यों अपने में नहीं रहता है उसका कारण बताया आचार्य देव कि अनादि अविद्या रूपी जो केल है, जैसा ये बनाना ट्री होता है उसके अंदर जो ऊपर का जो रहता है ना केड़, केड़ बोलते हैं, थंब बोलते हैं केड़, वो जब तक उसका नाश नहीं होगा ना तब तक उसमें से नए नए बनाना निकलते रहेंगे। ये आप देखें होंगे केड़ के झाड़ का कैसा रहता है, पंच रहता है इतना बड़ा, इतना लंबा लंबा लंबा, जब तक वो उसका मूड़ खत्म नहीं होगा ना काट, गिठी खत्म नहीं होगी ना तब तक निकलते रहता है, होते ही रहते हैं। ऐसे अनादि अविद्या रूप ये जीव अनंत काल से अपने आप को जानता ही नहीं है कि मैं परमात्मा, अनादि जिसकी शुरुआत नहीं है, कब से नहीं जानता है कि नहीं, हम कह नहीं सकते कि कब उसकी शुरुआत, अनादि जिसकी शुरुआत नहीं है, अनादि से इसको ये अज्ञान चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले जाना था बाद में भूल गया था, ऐसा नहीं, पहले से ही उसको अज्ञान था। मैं जैसे गाय के आंचल में से जो दूध निकलता है तो पानी साथ में निकलता है कि नहीं निकलता है, कि दूध और पानी मिले जुले रूप में ही निकलते हैं, शुरुआत नहीं है ऐसे कि दूध अलग पानी अलग, या पहले दूध निकला बाद में पानी मिल गया, ऐसा नहीं है, अनादि से ही साथ में ही निकलता है। सोने की खान में भी सोना और मिट्टी साथ में ही निकलते हैं, कोयले की खजान में हीरा और कोयला साथ में ही निकलते हैं, वो अनादि से, ऐसे ही अनादि से अज्ञान है कि जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। इससे क्या हुआ है कि भ्रांति पलित हुई, अपने को नहीं जाना है तो पर को मानना, पर को अपना मानना, जो अपने नहीं है उसको अपना मानना, सुख बाहर से आता है ऐसा भ्रांति हो जाना, भ्रम हो जाना, ये सब शुरू से ही है, ये मोह पुष्ट हो गया है, ये मोह माने भ्रांति, कब से, पहले से ही अज्ञानता के कारण ये भ्रांति उदय उठी, अपने ये मैं हूँ ऐसा नहीं जान करके पर पदार्थ में अपनापन कर लिया, पर को मैं हेरा फेरी कर सकता हूँ ऐसा माना, सुख बाहर में से आता है ऐसा माना, और जितना परिग्रह बढ़ेगा उतना सुखी हो जाऊँगा ऐसा मानता है, ये सब क्या है, ये मोह है, भ्रांति है। जब ऐसा मोह है तो क्या होता है, फिर वो अपने को दुखी महसूस करता है और सुख के लिए निरंतर प्रवृत्ति करता है, कर्ता कर्मों की प्रवृत्ति चालू होती है, ये करूँ वो नहीं करूँ, तो मोह भ्रांति हो गई है कि दाग आईने में है, दाग इधर है और उसको भ्रांति क्या हुई, आईने में दाग, और अब आईने को घसते रहता और रिजल्ट नहीं निकलता है, ऐसे ही प्रवृत्ति चालू रहती है लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। अनादि अविद्या रूपी जो केल, उसके मूल की गांठ के जैसा ये मोह भ्रांति उत्पन्न हुई है, इसके अनुसार, इसके उदय अनुसार प्रवृत्ति के अधीनता में है, फंस गया है, अब वो ऐसा फंस गया है जाल के अंदर कि उसको ये सपना भी नहीं आता है कभी कि मैं जानने देखने में रह जाऊँ, और करने से कुछ हासिल नहीं होगा ऐसा सपना भी नहीं आता। कभी भी देखोगे आप कितना ही बड़ा त्यागी शास्त्र पाठी होगा तो भी उसके दिमाग में ऐसा भूत सवार है कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट चिंतन तो करना पड़ेगा, आत्मा का ध्यान तो करना ही पड़ेगा। ये अंदर में भ्रांति के कारण अंदर में कर्तत्व भाव घुस गया है, अब वो करते रहो, कभी फाइल बंद होती नहीं और वो करते रहेगा, मरते दम तब तक भी फाइल चालू रहती है, और मरने के बाद जहाँ जाता है वहाँ आप ही शुरू हो जाती है धमाल, जहाँ जाता है वहाँ शुरुआत हो जाती है, मतलब करने और नहीं करने से बाज नहीं आता है, ये अनादि से उसको रोग आ गया, वो मोह के कारण है, और मोह कहाँ से किसके कारण है, अज्ञानता के कारण, किस बात का अज्ञान, शास्त्र नहीं पढ़ता है, दुनियादारी का नॉलेज नहीं जानता है, वो अज्ञान की बात नहीं करता,
मैं स्वयं परमात्मा हूँ इसका बांध नहीं होना वही अज्ञान है सबसे बड़ा, और वह सारे दुखों की जड़ वो है। जब उसको पता चल जाएगा कि मैं ही परमात्मा हूँ और उसकी श्रद्धा भी हो जाएगी कि हाँ वास्तव में मैं परमात्मा हूँ, तो उसके आचरण में से करना और नहीं करना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर भी प्रवृत्ति होगी, लेकिन वो प्रवृत्ति शांतिमय हो, जानने देखने वाली प्रवृत्ति हो। जानना देखना तो पहले भी था, जब कर्तृत्व भाव में था तब भी जानता ही था, लेकिन वो मानता नहीं था कि मैं जान रहा हूँ। वो ऐसा समझता था कि मैं रोटी बना रहा हूँ, मैं नोट गिन रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। असल में जीव क्या करता था, जब गाड़ी चला रहा हूँ ऐसा जब मानता था, उल्टा मानता था, तब भी असल में तो वो जान नहीं रहा, गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी अपने कारण चलती थी, वो भी अपने कारण गति हो रहा था, वास्तव में उसका ओरिजिनल वर्क तो जानना देखना वही चल रहा, लेकिन ये मानता नहीं था इस प्रकार। जब उसने अपने परमात्मा का भान हुआ, श्रद्धा हुई, तब प्रवृत्ति चालू रही, लेकिन उसमें ये मैं करता हूँ ऐसी जो बुद्धि है, जो विपरीत बुद्धि है, जो अज्ञान है, जो अशांति पैदा करने वाली है, वो खत्म हो गई। मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, करने धरने वाला नहीं, इससे कोई प्रवृत्ति बंद नहीं हो जाएगी, प्रवृत्ति तो चलते ही रहेगी, क्योंकि ये प्रवृत्ति जो भी हो रही है, जो भी हेरा फेरी हो रही है, जो भी क्षेत्रांतर हो रहा है, जो भी बदलना हो रहा है, ये वस्तु के स्वभाव में, वस्तु कभी स्थिर नहीं रहेगी, कुछ न कुछ कार्य होते रहेगा। आप मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसा मानो, या फिर मैं करने धरने वाला हूँ ऐसा मानो, प्रवृत्ति बंद नहीं होने वाली, प्रवृत्ति चालू रहने वाली। और प्रवृत्ति भले ही चालू है, लेकिन मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ ऐसा मानोगे तो क्या होगा, और ये कौन मानेगा? इसको पता चल चुका है कि मैं ही परमात्मा हूँ तो वो क्या करेगा? प्रवृत्ति चाहे जैसी हो, वो मानता है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, तो फल क्या मिलेगा उसको? शांति शांति। और प्रवृत्ति चले साथ साथ में ये मैं कर रहा हूँ, या गड़बड़ हो जाएगी? कर्तव्य भाव है और वो बोले कि मैं परमात्मा हूँ, तो ये बात झूठी है। वो परमात्मा केवल शब्दों में है, इसके अनुभव में, भाव वासन में नहीं है। जानकारी है, जानकारी को क्या करना है? जब कर्तव्य भाव नहीं मिटा, जानकारी किस फायदा? जब तक कर्तव्य भाव है, नए नए कर्म बनते जाते हैं, बंधन तो हो रहा है। ज्ञाता भाव से बंधन नहीं रहता है, कर्तव्य भाव से बंधन होता है। कर्म तो करता है, जानकारी को क्या करो? पूरे शास्त्र पढ़ लो, लेकिन मैं ज्ञाता भाव ज्ञाता हूँ सिर्फ, करना नहीं करना मेरे हाथ की बात नहीं है। ये जब तक उसको अनुभव में नहीं आएगा, जब तक उसको वो स्वीकार नहीं करेगा, शांति मिलने वाली नहीं। भले ही वो बोले मुँह से कि मैं परमात्मा, मैं चैतन्य हूँ, शरीर से भिन्न, भले ही ना बोले तो क्या होगा? मैं चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इसका फल में उसको शांति मिलनी चाहिए, और शांति तो ज्ञाता भाव होगा तो मिलेगी, कर्तव्य भाव रहेगा तब तक नहीं मिलेगी। सभी दर्शन एक साइड में है और जैन दर्शन एक साइड में है। एक जैन दर्शन कहता है कि ईश्वर भी करता नहीं है और ये जीव भी करता नहीं है, यहाँ तक कि जीव अपने में जो रागादि भाव होते हैं उसको भी पलट नहीं सकता है, बंद नहीं कर सकता है, और ये जानना खुद का स्वभाव होने पर भी न उसको चालू रख सकता है न उसको बंद कर सकता है। मतलब अपने ज्ञान के ऊपर भी उसका कंट्रोल नहीं है, कुछ कर सकता है, बाहर का नहीं कर सकता और अपना अंदर का कर सकता है नहीं, वो भी नहीं, कुछ कर नहीं सकता है, करे सो मरे, कर भी कुछ नहीं सकता, ये सिर्फ जैन दर्शन में। और ऐसा मानने से क्या होता है? इमीडिएटली शांति मिलती है, बाद में शांति मिलेगी ऐसा नहीं, अभी का अभी शांति मिलती है।
लेकिन मुँह से तो बोले मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मो ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। मैं परमात्मा हूँ ऐसा वाणी में बोलना वो अधिकार किसका है? सिर्फ ज्ञानी का है। क्यों? वो ज्ञाता भाव में है और उन्होंने अपने आत्मा की सिर्फ बात नहीं करते हैं, उसकी अनुभूति भी उसको है। वो महसूस करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ ऐसा बोलना और मैं परमात्मा हूँ ऐसा महसूस करना बहुत बड़ा अंतर है। गुरुदेव की टेप सुनो तो आप भी बोलने लग जाओगे कि मैं परमात्मा, लेकिन फायदा क्या? शांति तो मिलती नहीं, फिर फायदा क्या? कुछ फायदा कोई पूर्व बनेल न पण जो जीव ने जानो नहीं सर्वते अज्ञान बाकी साक्षी से आगम। नव पूर्व का ज्ञान होए शास्त्र का, फिर भी अगर अपने आप को जीव को नहीं जानता है ये सब अज्ञान है। और ये बात गिनागम में शास्त्रों में लिखी हुई है, इसमें भी लिखा है 201 नंबर गाथा। भले ना पूरे शास्त्र का ज्ञान हो जाए लेकिन अगर अपने आप को नहीं जानता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, सब जीरो है, मिट्टी है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा भले ही बोलता है लेकिन अंदर शांति नहीं है, ज्ञाता भाव नहीं है, करना नहीं करना परिणाम में चालू है, तो राग द्वेष भी चालू है, बंधन भी चालू है और अशांति भी चालू है, फायदा नहीं है। यहाँ ये बात कहते हैं कि मोह अज्ञानता, अज्ञान से क्या हुआ? मैं परमात्मा हूँ ऐसा भान नहीं तो क्या हुआ? भ्रांति हुई और किसी न किसी को अपना मान लिया। जब अपने घर में नहीं रहा तो दूसरे घर को अपना मान लिया, ये मोह हो गया, ये भ्रांति हो गई। और भ्रांति हुई तो क्या हुई? करना धरना चालू हो गया। भले ही बाहर से कुछ न करे, मंदिर में बैठा रहे, ध्यान करते हुए आँख बंद कर राम 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 बोले, लेकिन अंदर में ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये बोलूँ ये नहीं बोलूँ, ये चालू है प्रवृत्ति। भावों की प्रवृत्ति नहीं रुक सकती। शरीर से तो बांध लेगा अपने को, नहीं चलना है, नहीं बोलना है, नहीं देखना है, और तीन बंदे थे ना, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं बोलना, लेकिन अंदर भावों को बंद करके दे। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं है तब तक ज्ञाता भाव आएगा नहीं, और भावों की उछल कूद जो चल रही है बंदर के जैसा उछल रहा है, ये करूं ये नहीं करूं, ये बंद होने वाला नहीं। अब इसमें फंस गया है, फंस गया माने कि बंद करने के लिए भी उसको करता तो भाव चाहिए, यानी मुझे नहीं करना, थक गया हूँ, इसके लिए कुछ करना है वापिस। देखो मतलब ऐसा फंस गया है कि वो थक गया है बिल्कुल, अशांत अशांत हो गया है, कुछ भी नहीं करना चाहता है, लेकिन कुछ भी नहीं करना चाहता है ये भी एक करता तो बाप, ऐसा फंस गया है। प्रवृत्ति ना अधीन पड़ाती है, वो गुलाम हो गया है। अब क्या हो गया? वो गुलाम हो गया। मास्टर खुद है लेकिन प्रवृत्ति ने उसके उसको ऐसा गुलाम बना दिया है, क्या वो नहीं करेगा तो तकलीफ हो जाएगी, कुछ उसको करना ही है काम कुछ ना कुछ, अगर नहीं करा तो भी मेरा क्या होगा, ऐसा चिंता हो जाती है, दुखी हो जाता है, कुछ करूँ तो अच्छा, कुछ नहीं करूँ तो तकलीफ। इसीलिए दुख होता है तो आदमी को क्या करते हैं, कोई काम में लगा देते हैं, भी माला फेरो, मंदिर में पूजा करो, या भी उठ बैठ करो, या काम में प्रवृत्ति में ध्यान लगा दो कोई ना कोई, तो क्या तो दुख भूल जाओ, कम से कम कुछ नहीं तो पिक्चर देख के आओ, तीन घंटे पूरा खाली हो जाएगा, ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ तो करो। खाली बैठोगे तो बहुत परेशान हो जाओ, मतलब अपने दुखों से छुटकारा करने के लिए वापिस उसको कर्तव्य भाव का सहारा लेना पड़ता है। ये क्या हो गया? ये जाल में फंस गया। वो खुद भी चाहे ना तो डर लगता है कि क्या होगा मेरा, मैं सारी प्रवृत्ति बंद कर दूँ, जानने देखने में रहूँगा तो खाना कौन खिलाएगा, दुनिया कैसे चलेगी, और खुद डेथ भी हो जाएगा ना तो भी दुनिया चलेगी क्या? कितने लोग रोज मरते हैं कि दुनिया बंद हो गई, उनके कारण चलती थी क्या? लेकिन ऐसा अंदर में भूसा है, ये मोह के कारण ऐसा अंदर में भूसा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया, अब ये समझने के लिए कि कुछ नहीं करना है उसके लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं करेगा भगवान बन जाएगा,
इसलिए हम भगवान नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान बने नहीं है, भगवान है, और ऐसा मानोगे तो भगवान बन जाओ, बन जाओगे। भगवान बनने की बात नहीं है यहाँ, मैं भगवान ही वर्तमान में हूँ ऐसा मानने की बात है। मानोगे तो कर्तव्य भाव से छूटोगे, तो नया बंधन से छूटोगे, तो भगवान बन जाओ। गुरुदेव के हर एक लेक्चर का भाव क्या है, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होती है साधना। यहाँ भगवान बनना नहीं है, मैं ही भगवान हूँ ऐसा मानना है। यहाँ मानो फिर स्टार्ट होती गाड़ी। जब तक नहीं मानोगे, जब तक अनुभव में नहीं आएगा कि मैं ही भगवान हूँ, तब तक कुछ ना कुछ करना डरने की बात चलेगी, फिर फंसोगे। अनादि से फंसते आ रहे हो, अभी भी फंसोगे, कभी भी छुटकारा नहीं हो। सबसे पहले ये मानो कि मैं ही भगवान हूँ। अब बनने की बात तो बाद में, क्या स्वीकार ही नहीं करता है, मैं पामर हूँ और मैं बाद में भगवान बनूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं भगवान हूँ लेकिन मेरी अवस्था में गड़बड़ है, इसीलिए उसके लिए जो भी प्रयत्न करना है वो मैं करके वास्तव में मैं अपने को मैं ही भगवान हूँ साबित कर दिखाऊँ। आवरण में, आवरण के पीछे हूँ, चैतन्य मूर्ति इस खोखे में पीछे दब गई है। जो भगवान की मूर्ति है वो अंदर है, जो साक्षात है, लेकिन मोह के कारण, राग द्वेष के कारण, ये शरीर के कारण, ये प्रवृत्ति के कारण मालूम नहीं पड़ता है कि हम ही भगवान। तो पहले शिल्पकार क्या करता है, पत्थर में पहले मूर्ति को देख लेता है, फिर बाद में क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देता है और भगवान की मूर्ति हाजिर है। ऐसे अगर हमको भगवान बनना है तो सबसे पहले मैं ही भगवान हूँ, ऐसे इस खोखे में ही मैं भगवान हूँ ऐसा देख लेना पड़ेगा पहले। और फिर क्या करना पड़ेगा कि भगवान पे भरोसा रखो, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। और आप कुछ नहीं करूँगा तो मेरा क्या होगा, खाना नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा, डरो मत, भगवान मरने वाला नहीं है, ऐसा विश्वास आ गया। क्यों? क्योंकि उसने इस खोखे के अंदर भी, राग द्वेष के पीछे भी एक जानने देखने वाली भगवान की मूर्ति है जो साक्षात है, वही चैतन्य मूर्ति है, वही मेरा अस्तित्व है, ऐसा उसने जान लिया है। अब उसको डर निकल गया, खाना नहीं मिलेगा तो, पहनना नहीं मिलेगा तो, दवा नहीं मिलेगा तो, कोई हेल्प नहीं करेगा तो, मैं अकेला रह जाऊंगा तो, तकलीफ आएंगी तो, ऐसा डर डर के जीना खत्म हो गया उसका, निसंग हो गया, निर्भय हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान उसके साथ, उसने भगवान को देख लिया। भगवान को देखने के बाद अर्जुन को डर नहीं लगता है कि मेरे वहाँ काका भाई है, गुरु है, उनको कैसे मारूं। रण के मैदान में बीच में भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया, क्या हुआ, उसकी सारी उलझन निकल गई कि मैं कौन होता हूँ मारने वाला, मैं कौन होता हूँ बचाने वाला। जो कुछ भी है, जो अवस्था है, जो फिक्स है, उसको मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान को देख लिया है। अब प्रवृत्ति जैसी होनी है वो, मैं भगवान को देख लिया, मैं भगवान के सरेंडर हो गया। देखो तिर गया वो जीव तिर गया, जिसने भगवान को देखा वो तिर गया। क्योंकि प्रवृत्ति है, लेकिन ये मैं करता हूँ, मैं मार रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ, ये कर्तव्य भाव हट गया। क्या चेंज क्या हुआ? प्रवृत्ति रही, प्रवृत्ति ये मैं करता हूँ ऐसा जो भाव था वो हट गया, शांति हो गई, ज्ञाता भाव आ गया। जिसने भगवान को देखा उसको ज्ञाता भाव आ गया। ये बात इधर करते हैं कि अपने को नहीं जानता है, इसलिए मोह उत्पन्न हुआ, भ्रांति हुई, और भ्रांति हुई तो कर्तव्य भाव हुआ, कर्तव्य भाव हुआ तो क्या हुआ, प्रवृत्ति का गुलाम हो गया, प्रवृत्ति में फंस गया, तो उसको अपने को देखने का टाइम ही नहीं मिला, दर्शन ज्ञान में स्थित नहीं हुआ। देखो ज्ञानियों को सब प्रवृत्ति छोड़ दिया तो अपने में जाने का टाइम मिला है, और अपने को सुबह से लेकर के 24 घंटा चक्की पिसो, जेल की चक्की है, और अपने को देखने का टाइम नहीं मिलता। 24 घंटे में एक घंटा भी हम अपने आप को देखते नहीं, अरे एक मिनट भी नहीं देखते, एक मिनट देखे तो
श्रावक पांचवा गुणस्थान आ जाए उतना भी नहीं है क्या? अगर एक मिनट रोज का एक अंदर डाल दे आत्मा में भी पंचम गुणस्थान आ जाए, पाँच पाँच दस दस मिनट हो जाते यह अवस्था आ जाएगी। रोज का 24 घंटे में कितना? 5 मिनट, तो यह अवस्था आ जाएगी। इतना कांटेक्ट बढ़ जाएगा परमात्मा के साथ और इतना आनंद मिलेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी तो क्या है, कचरे में पड़े हैं। प्रवृत्ति के पीछे अज्ञान के कारण मोह और मोह के कारण प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति में ऐसा फंसा कि उसको भगवान को देखने का समय ही नहीं मिलता है, तो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित नहीं रहता है। और फिर क्या हुआ, अब सजा भोगो, मोह राग द्वेष अशांति पैदा हो गई अवस्था में। और फिर क्या हुआ, भ्रांति तो पहले से ही थी, जैसे क्रोध हुआ मैं क्रोधी हो गया ऐसा माना, राग हुआ तो मैं रागी हूँ ऐसा माना, गृहस्थीपना है तो मैं गृहस्थ हूँ ऐसा माना, पुरुष के कोके में है तो मैं पुरुष हूँ ऐसा माना, ऐसे भ्रांति हो गई। और पहले से भ्रांति थी अब और दृढ़ हो गई, मैं अशांत हूँ ऐसा मान लिया आपने, और अब मुझे शांति पाने के लिए कुछ करना है, बस हो गई शुरुआत। ये भ्रांति के ऊपर भ्रांति, भ्रांति के ऊपर भ्रांति, भ्रांति के ऊपर भ्रांति, ऐसा करते हुए ये जीव फंसते जा रहा है। और तब क्या होता है, तब उसकी नज़र कहाँ होती है, जब फंस जाता है तो उसकी नज़र कहाँ होती है, अपने में नहीं होकर के उद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है। ये खोखा मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि भूतकाल में कर्म किए थे उसका उड़ा है इसलिए खोखा मिला है। ये संयोग क्यों मिले, सब भूतकाल में जैसे कर्म किए थे वैसा संयोग आया। और ये जीव क्या करता है, अपने को नहीं देखते हुए निरंतर किसको देखता है, कोके को देखता है, अपने कुटुंब परिवार को देखता है, अपने आजू बाजू सराउंडिंग्स को देखते रहता है। लड़ाई होगी कि नहीं होगी इसकी चिंता हो रही है, लेकिन इधर इधर की चिंता नहीं होती। स्टेटमेंट सबका देखना है, पढ़ना है को कौन क्या बोल रहा है, सब पागल लोगों का स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ध्यान है। और ये चिट्ठी आई है ना भगवान बनने की, वो सुनने का टाइम नहीं, वो सोचने का टाइम नहीं। बड़े इस भरत क्षेत्र के धुरंधर आचार्य देव, आचार्य भगवान कुनकुन आचार्य देव का ये समय सा शास्त्र आया है, पढ़ लोगे और समझ लोगे तो भगवान बन जाओगे। उसके उनके नहीं सुनना है, वो पागलों के सुनना है। और बार बार लगाता है न्यूज़, क्या कुछ न्यूज़ आया, क्या वॉर हुआ, क्या न्यूज़ हुआ, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, जापान क्या कहता है, USA क्या कहता है, ब्रिटेन क्या कहता है, उसमें कितना उपयोग जाता है देखो। शेयर बाजार पर क्या असर हुई, अब क्या होगा, स्टॉक कर लेना, घर में गाँव कितने हैं, भैया दो चार गुनी मंगा लो, और होगा तो क्या होगा, ये सब की चिंता है। लेकिन इधर ये भगवान बनने की बात की चिंता नहीं, सुनने को तैयार नहीं, राजी नहीं है। क्या हो गया है, ये अपने उड़े प्रसंग के अंदर फंस गया है। नजर दृष्टि हमेशा बाहर की बात, बाहर की बात, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सो समय में नहीं है, वो पर समय में। तब क्या करता है कि पुद्गल कर्मों ना प्रदेशों में स्थित है नजर दृष्टि, तब क्या करता है, पर को एकत्व रूप ग्रहण करता है, और उसके कारण जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, विकल्प देर सारे होते हैं, उसको उपभोगता है। क्या ऐसा ये पर समय, ये जीव पर समय है ऐसा प्रतीत करने में आता है। इस प्रकार से जीव नाम के पदार्थ का स्व समय और पर समय ऐसा दो विभाग बना, दो डिवीजन है। सभी जीव है, सभी समय है, लेकिन एक स्व समय है जो अपने आप को जानते हैं और मैं परमात्मा ऐसा अनुभव करते हैं और ज्ञाता भाव में रहते हैं, और दूसरे ऐसे जीव है कि जो अपने को नहीं जानते हैं
और निरंतर हमेशा दूसरों की पंचायतें करते हैं, दूसरों को देखते हैं, राग द्वेष होते रहते हैं और दुखी दुखी रहते हैं। ऐसे जीव नाम के पदार्थ का दो द्विधपना है। अब भावार्थ कहते हैं पंडित जयचंद, गाथा दो टीका पूर्ण हुई, अभी उसका विस्तार से समझाएंगे पंडित जयचंद जी। इसका मूल जो राइटिंग है गुंडारी हिंदी भाषा में, इसमें से ये गुजराती अनुवाद हुआ है। भावार्थ, इस गाथा में आचार्य देव ने जीव नाम की वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव ऐसा अक्षरों का समूह है, जीव, उसमें समय शब्द यूज किया था, या आत्मा कहो, समय कहो, या फिर जीव कहो, एक ही बात, ये दो अक्षर का समूह है जीव, ये पद है। ते पद थी जे द्रव्य पर्याय रूप अनेकान स्वरूप पर निश्चित करवामां आवे छे ते पदार्थ, और पदार्थ होता है तो उसके दो रूप है, क्या, एक द्रव्य रूप से है, एक परिणामन रूप से है। जैसे सूर्य है तो सूर्य एक पदार्थ है जो द्रव्य रूप से है, और प्रकाशता रहना, प्रकाश करते रहना, वो इसका अवस्था मतलब परिणामन। कपड़ा एक पदार्थ है और मैला होना या क्लीन हो जाना ये उसका परिणामन, इसका विकास है इस प्रकार से। तो ये पदार्थ जो भी होगा वो द्रव्य पर्याय से रहता है, द्रव्य से नित्य है और पर्याय से निरंतर बदलते रहता है। दोनों नित्य रहना और अनित्य रहना दोनों एक ही पदार्थ के अंदर, इसीलिए एक अंत से नहीं कह सकते, एक साइड से नहीं कह सकते कि द्रव्य नित्य है, दूसरी साइड भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहने में भले ही आप नित्य कहो तब अनित्य मत कहो, लेकिन ज्ञान में दोनों साथ में रहना चाहिए, उसका नाम है अनेकन। क्या, तो किसी भी पदार्थ को हम द्रव्य रूप से और पर्याय रूप से निश्चित कर देते हैं तो उसका नाम है पदार्थ। ऐसा ये जीव पदार्थ कैसा है, उत्पाद व्यय द्रोहमयी सत्ता स्वरूप, ये कायम रह करके नई नई अवस्था होती है और पुरानी अवस्था व्यय हो जाती है। ऐसा फर्स्ट नंबर का बोल लिया, उत्पाद व्यय द्रोह सत्ता स्वरूप है। दूसरा, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, ये तो कैसा है कि जानना देखना उसका स्वभाव है, ऐसा वो चैतन्य स्वरूप। तीसरा, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है, इसमें अनंत गुण धर्म है। चौथा, ये द्रव्य होने के कारण ये वस्तु है, और वस्तु है तो कैसी है, गुण पर्याय वाली, इसमें गुण भी है और उसकी अवस्थाएं भी है। और क्या इसमें मालूम पड़ता है कि वो अपने को भी जानता है, दूसरों को भी जानता है, मतलब सोपर प्रकाश सब ज्ञान अनेकाकार रूप एक है, अनेक प्रतिबिंब वाला है इसलिए अनेकाकार है, फिर भी वो एक है जानने वाला अलग अलग नहीं, इसीलिए एक है, स्वपर प्रकाशक रूप अनेकाकार एक है। आगे, और आकाश आदि अन्य पांच द्रव्यों से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप, और अन्य द्रव्यों के साथ आकाश के एक ही प्रदेश में साथ में रहने पर भी कभी भी वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, अपने अस्तित्व को अलग से टिका के रखता है, ऐसे स्वभाव वाला है। ऐसा ये जीव नाम का पदार्थ है वो समय है, और जब ये अपने स्वरूप में लीन होता है तब उसको स्वसमय कहते हैं, और जब अपने स्वरूप में नहीं रह करके दूसरों पर दृष्टि जाती है और राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तब उसको परसमय कहते हैं। इस प्रकार से इस जीव नाम के पदार्थ के दो विभाग हैं, स्वसमय और परसमय। इस प्रकार से पंडित जी ने जो आचार्य देव ने टीका में कहा था उसका फिर से सरल भाषा में समझाया। अभी गाथा नंबर तीन चलती है। ये जो समय सार की जो शुरुआत के एक से पांच गाथाएं हैं वो बेजमेंट है, पूरे समय सार का बेज यहाँ पर। इसमें सबसे पहली गाथा में चित भगवंतों को नमस्कार करके आचार्य देव ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जो श्रुत केवलियों ने मुझे आत्मा का स्वरूप बताया है सेम वही का वही मैं बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए सिर्फ आत्मा नाम के पदार्थ को अनुभव करके मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें कुछ अपने हिसाब से कुछ भी मिलावट नहीं करूँगा।
जैसा उन्होंने मेरे को मैसेज दिया है वही मैसेज मैं आपको पास कर रहा हूँ। इसमें कुछ भी अल्टरेशन नहीं है, कुछ भी आगे पीछे नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, आपसे कुछ मैं चाहता नहीं। भगवान बनने की जो विधि जो उन्होंने मेरे को बताई वही मैं आपको कह रहा हूँ। ये पहली कथा में और वे पूछा गया कैसा है ये जीव नाम का पदार्थ, तो उसका विवरण बताया। और अब तीसरा नंबर की बात करते हैं। अब समय के दीवित पने में आचार्य देव बाधा बताते हैं। आचार्य देव को अफसोस है कि जीव अपने स्वरूप में लीन नहीं रहता है और दुखी होता है, बिना वजह दुखी होता है, क्योंकि असल में वो दुखी होना उसका स्वभाव नहीं, सुखी रहना ही उसका स्वभाव। लेकिन फिर भी क्या करें, जीव अपने को नहीं जानता है और सो समय में रहने के बदले ऊपर समय में रहता है, वो ठीक नहीं है, वो शोभा नहीं देता है, वो उसका विकृत स्वरूप है। जीव का कैसा स्वरूप है, वो दुखी रहना, भटकना संसार में, ये जीव का कैसा स्वरूप है, विकृत स्वरूप है, ये स्वभावगत स्वरूप नहीं है। हमको ऐसा स्वरूप देखने में इच्छा नहीं हो रही है, क्या, क्योंकि वो शोभायमान नहीं। जैसे अच्छे घर का लड़का खानदान हो और वो दारू पिए तो पकड़ा जाए, तो चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो अच्छा नहीं लगता है, दुर्गुण है, दुर्गुण अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे जीव स्वयं भगवान होते हुए भी अशांति में रहे, राग द्वेष में रहे, दूसरों को अपना माने, दारू पी लिया है मौका, वो उसको अच्छा नहीं लगता। सो समय अच्छा लगता है क्योंकि वो शांति में है और इसके कारण से अन्य जीव भी कोई दुखी नहीं है, लेकिन पर समय बहुत गड़बड़ कर देता है। बाधा रूप है, ये तीन नंबर की गाथा में बताते हैं, मूल गाथा। ए तणी क्षय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोगे बंद का एते तेण विसंवादिनी होदी। इसका हरि की एक तत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोकमा ते थी बने विकवादिनी बंदन कथा एक उपमा। जीव अपने स्वरूप में रहे, लीन रहे, अपने बाउंड्री में रहे तो शांति 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 शांति, और दूसरे की बॉर्डर को क्रॉस करे तो ये विवाद का कारण बनता है, झगड़े पंचायत का कारण बनता है, मोह राग द्वेष का कारण बनता है और वो अशांति का कारण। इसीलिए अपने बाउंड्री के अंदर रहना वो शांति है और अपने बाउंड्री से बाहर जाना उसमें अशांति। गाथार्थ, एकत्व निश्चय ने प्राप्त जे समय छे ते लोक में बधे सुंदर छे। भगवान का स्वरूप ले जो अपने आपने आप में ही रहते हैं, किसी की पंचायत बन जाते हैं तो आज सारी दुनिया उनको पूछती। सभी जी साधना करने वाले जीव चाहते हैं कि मैं ऐसा बनूं भगवान के जैसा, क्यों, तो परम शांति में। क्यों परम शांति में, क्योंकि किसी की पंचायत नहीं करते, वो अपने परमात्मा में ही लीन रहते हैं, तो सुंदर है। दुनिया में इनसे सुंदर और कोई नहीं, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कैसा सुंदर, परम। उनका रूप मनोहर है, उनका द्रव्य मनोहर है, उनकी अवस्था मंगल आ रही है, उनके अवस्था का भान करने से, ज्ञान करने से भी अपने को शांति मिल जाती है। क्यों, तो निरंतर अपने स्वरूप में रहते हैं, अपनी बाउंड्री को कभी भी क्रॉस करते, इसलिए दुनिया में सुंदरतम तो यही है, परमात्मा ही सुंदर है। तो एकत्व निश्चय को जो प्राप्त हो गए हैं, जो परमात्मा को जिनको मिल गए हैं, परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, निरंतर वही कार्य करते हैं, ऐसे जो सो समय हैं ये दुनिया में सर्वत्र सुंदर है, क्या उनसे किसी को झगड़ा नहीं है,
ज्ञानी से किसी को झगड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? कि ज्ञानी को हठाग्रह नहीं होता है, वो कभी विवाद में जाते नहीं, वो अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति में भी वो सुखी रह सकते हैं। इसलिए दुनिया वाले को ज्ञानियों से कोई खतरा नहीं, वो ट्रेस पासर्स नहीं है। क्या किसी के अंदर में कार्य पद्धति में इन्वॉल्व नहीं हो जाते, ऐसा नहीं ऐसा ही करो ऐसा आग्रह नहीं रखते, खुद भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुख प्रदान करते हैं। सुंदर है, जहाँ जहाँ उनकी उपस्थिति है वह मंगल 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 हो जाता है, अशांति दूर हो जाती है, राग द्वेष दूर हो जाते हैं और शांति फैल जाती है, ज्ञान ज्ञान प्रकाश हो जाता है। इसलिए दुनिया में सबसे सुंदर है तो यही है। ये बारिश भी उनके कारण गिरती है, धूप भी उनके कारण गिरती है, ठंडी भी उनके कारण होता है, जितना भी अच्छा हो रहा है सब ज्ञानियों की उपस्थिति के कारण हो रहा है, क्योंकि ये जगत में सबसे सुंदर है। ये बात भी है, एकत्व निश्चय ने प्राप्त जो समय है, जो स्व समय है वो सुंदर है। दुनिया में हर जगह उसकी पूजा होती है, उसकी सुंदरता की तारीफ होती है। कौन सा सुंदर है? आत्मा सुंदर है। शरीर का रूप की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है? उसकी आत्मा की बात चल रही है। कितना सुंदर है, कितनी शांति है, कितना मंगल उनका द्रव्य है, जहाँ जाते हैं वहाँ शांति फैल जाती है, सुंदर है। एकत्व में बीजाना साथे बंधनी कथा विसंवाद विरोध करना रही, अकेले में सुखी है और दूसरों को मिला लिया तो क्या हो गए, अलावा पंचायत 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 विसंगत माने डाउट डालने वाली, चर्चा विचारना को अवकाश है, तेरा मेरा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, इसको बोलते हैं विसंवाद। संवाद माने भाषण, आपके विचार और मेरे विचार दोनों एक दूसरे को कहते हैं और अगर मिल जाते हैं तो क्या होता है, और रूप उसका सुंदर बनता है, सुनना अच्छा लगता है एक दूसरे, और जरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए तो क्या होगा, बात करने का दिल नहीं होता, ये क्या हुआ, विसंवाद हो गया, बातचीत करने का दिल नहीं होता, झगड़ा करने का दिल होता है, अशांति में रहते हैं उसका नाम विसंवाद, बातचीत करते हैं लेकिन शांति में उसका नाम क्या है, एक दूसरे से मिले तो खुशी खुशी हो जाए, बात करें तो खुशी खुशी हो जाए, ये संवाद है। संवाद माने दोनों के विचार मिल रहे, और भी समाज माने क्या, दोनों के विचार नहीं मिल रहे। टीका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्या वो बोलता है कि नहीं हम हमारे धरती से ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, बोलता नहीं तुम ही करते हो, हमारे पास प्रूफ, तुम मानो ना तुम डंडा उठाएंगे, बोलता हम भी डंडा उठाएंगे, तुम डंडा उठाएगा, ये क्या हो गया, संवाद, दोनों का ओपिनियन एक नहीं है, दोनों का ओपिनियन अलग अलग, लेकिन सबको डर है अपनी मौत का, इसलिए कोई प्रहार नहीं करता है, प्रहार करेंगे तो सबसे पहले राय ले लेंगे, सबकी मेजोरिटी करने के बाद प्रहार करेंगे, नहीं तो सब मिलकर के करेंगे तो अपना भूखा हो जाएगा, देखो डर लगता है, अगर मर जाने का डर नहीं होता तो कब के मार डालते हो दूसरों को, लेकिन ऐसा नहीं है, मर जाने का भी डर है इसलिए बचे रहे, ये क्या है, झगड़ा पंचायत ये संवाद है, या टीका, टाइम तो हो गया है टीका कल ले लेते हैं। तीन नंबर की जो गाथा है, ये वर्ल्ड के विश्व का नियम बताया गया है इसके अंदर, और बहुत सुंदर ढंग से है, अगर ये नियम को समझ लिए ना शांति, फिर आप किसी के बाउंड्री में प्रवेश नहीं करोगे तो आप सुखी रहोगे और आपके कारण सभी सुखी रहेंगे, ये गाथा समझ लोगे तो शांति हो जाएगी। एक देखो मूल गाथा अभी ध्यान की आने वाली है, छः नंबर की गाथा आने वाली है, जहाँ प्योर जीव का स्वरूप बताएंगे, लेकिन इसके पहले बाहर से झगड़े पंचायत सब मिटा देने के लिए ये बेसमेंट तैयार किया है आचार्य जी, ये तीन नंबर की गाथा गुरुदेव को बहुत पसंद है, इसमें सुंदर सुंदर शब्द है, कल लेंगे अपने टीका। सुशांत चरि
Thank you.